दी दी का भइल तू रो कह रहल बड़े प्रज्ञा प्रज्ञा हमार बच्ची दी 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 दी, दी, ये कैसा सपना रहे? शायद बुखार की वजह से दवाई बुलबुल हम तुम्हारे घर के पास वाला सड़क पर वेट करते रहे तू जल्दी से बाहर का भाई पूरा पैसे अचानक दी दी ठीक तब ना बुलबुल तू पहले बाहर आवा बतावा तनी हम तो रखे ठीक बा अभी आवत पानी ऐसन का बात बा कहीं हमारा सपना सस्ता ना अरे कहां भागल जा रहल बाड़े सॉरी दादी अरे बुलबुल अरे बेटा बुखार के उतरे के इंतजार तो करते पागल लेकी है लेकी सब मरे ली हमरा पे तो फिर तू का है ना अब बोला के हम तोरा अच्छा ना लगनी बोला कि हमरा करीब मत आवा मत छुआ हमरा के इका कर रहल बानी हमके इनके पास ना आवे देवे के चाहिए हम कमजोर पड़ जाए ना ये आखिरी बार बार जब हमनी इतना करीब बानी इनकर प्यार ना सही बाकी याद तो साथे ले जाइब इनकर नाम के कुमकुम ना हमके डाइवोर्स देवे चाहता रहूं ई नया रूप देखे के मिलल तोहार ना तो हमके लागल रहे कि तोहार सारा फीलिंग्स सब इमोशंस वो डबल बैटरी के ही टच करे से बाहर निकले लगा बट आई वॉज रॉन्ग तारा हमार टच से भी फर्क पड़ेला यह तो हम देखे चाहत रही तू हमरा के डाइवोर्स दे सकेलू यू कैन वैसे भी तू वो डबल बैटरी के अपना पास आवे खातिर परमिशन दे लू लेकिन अभी द रॉक स्टार के तू रोक लू बतावा हम एगो रॉक स्टार आई लाइकी लोग मरे ली हमरा पे हम बार बार तोरा के बतावे ली ताकि तोरा बात के अंदाजा होके कि तू कितना लकी बाड़ू हम लड़की लोग के रिजेक्ट करे तू हम के रिजेक्ट कहलू अपना के छुए से मना कहलू अपना पास आवे से मना कहलू लेकिन अब हमके ये बात से कोनो फर्क ना पड़ेला कहे कि हमके बता बाकी ये सब एगो देखा बाबा कहे कि सच तईबा की तरह
फर्क पड़ेला। तोरा होखे से तोरा पास आवे से तोरा फर्क पड़ेला। बना नो आई एम रियली हैप्पी। तोहर ई हालत के देख के हमके अच्छा लग रहा बा। और हम तोहरा तोहर यह हालत पे रिजेक्ट करता नहीं। हम तोहरा ही डिवोर्स खातिर अलाउ करता नहीं। यू कैन डिवोर्स मी। पसीना छूट रहा बा। एसी चालू कर लिया। कैसे बताई आपके क्यों आप यही जेकरा छुला से हमरा पर असर हो खेला। वो आप यही जेकर साथे रहे से हमके फरक पड़ेला। आपके एहसास हमके हर तकलीफ हर दर्द भुला देवेला। तो आपके सिवा हमार सोच हमार दिल में और के हो सकेला। काश आपसे अलग होके से पहले हम एक बार आपके बता पाई थी कि आप हमरा ला कहाँ हैं। हम आपसे कितना प्यार करेला। खातम। हम फर्स्ट ना। हम फर्स्ट बानी तनु। ओके अभी टाइम बा सेलिब्रेट करे के पार्टी करे के फुल ऑन डांस करे के तनु। यू नो आई एम सो हैप्पी फॉर भाई। हम ली लोग के ना पार्टी करे के चाहिए। सब लोग के बुलावे के चाहिए तनु। दिस इज सेलिब्रेशन टाइम यार। यस ये और कितना गिर बे गिरल तनु। यू नो हम खुश बानी कि हमनी के बनावल एमएमएस से हमनी जन चाहत रहे। दीवाल के भी कान हो खेला। एही से फिल्म हो गई हिट और अब लाइफ होई। आई नो दिस वन। वेट सुपर से भी ऊपर डुपर हिट। यस तू लोग कहाँ करा तरु? बाय, बेबी। बेबी, I'm so sorry। हमने इतना ड्रिंक रहे कि हमने के तह ख्याल ही न रहा। और एक राला तहरा आलिया के थैंक्स करे के चाहिए। काहे कि ऊ ना करती तो ऊ इवे रहती। आलिया का कहली? कहे के मतलब बा भाई कि हम ही तो होकर एमएमएस देख ले रही ना भाई। हम एमएमएस ना देखती तो ओके। अपन गलती के एहसास कहाँ हो कित भाई। ना 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 हमके लागत बा उ चश्मिश के चश्मा के नंबर बढ़ गइल बा। ऐसे ओके स्मार्टनेस देखे लाई ना। के कर स्मार्टनेस? जी जी भाई 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 दुनिया में वर्ल्ड के यूनिवर्स के इंडिया में सबसे स्मार्ट के है हमार भाई। अभी तक रॉक बिल्कुल आप बानी भाई। आप ओके बोलनी और आप इतना इंटेलिजेंट हैं। आप इतना स्मार्ट हैं भाई। ना ना चुप चुप। हम वो बात नहीं के कर। हम बात करते रहे कि भाई इट्स सेलिब्रेशन टाइम। का करत नहीं है भाई पार्टी करी। आज तू तो बैठ जा भाई। आज ऊ घर से जाई ना तो हमने लोग के फ्रीडम और कल हमने के इंडिपेंडेंस डे भाई। इंडिपेंडेंस डे वो भी विदाउट अ ड्राई डे। एब्सोल्युटली। का इका कह रहल बाड़ तू पूरब? बुलबुल जे कुछ कहता नहीं एकदम सही कहता नहीं। हम लॉयर से मिलल रही कोनो सिलसिला में और हमके बतेलस कि अभी ओकरा पास आयल रहे और वो आपन और प्रज्ञा दी के डिवोर्स पेपर तैयार करेला सर। दी के डिवोर्स?
पति के डिवोर्स। बुलबुल संभाला अपना आपके प्लीज, तोहरा हिम्मत रखे क्योंकि हौसला रखे क्योंकि पूरब हमके दी के चिंता हो रहल बा, दी कौन तकलीफ में होगी कौन पेन में होगी केहू ओकरा हम समझ सकत नहीं, तू नहीं के समझ सकत पूरब, तू काहे कि बात अब बदल चुकल बा, पहले दी चीजू की कोनो बात के ओके बुरा ना लगत रहे ओके फर्क ना पड़त रहे, और अब दी खातिर जीजू के फीलिंग सोच सब कुछ बदल गेल बा, सब कुछ बदल गेल बा। हमके कुछ समझ में नहीं आ रहा, तू साफ साफ बोला ना बात का बा। दी के जीजू से प्यार हो गेल बा पूरा। व्हाट? हाँ, जितना हैरान तू बड़ा ना उतने हैरान हम रही जब दी हमके ई बतेलक कि दी जीजू से प्यार करे लागल बिया, लेकिन ई सच बा पूरा, ई सच बा, जौन इंसान के अपन पति के साथे एक दिन गुजारना मुश्किल होत रहे, आज वह इंसान अपन पति के बगैर एक पल नहीं रह सकत, और ये फीलिंग दी के मन में शायद तब आयल जब हमार माँ के हार्ट अटैक आयल रहे, चीजू तब एगो बेटा जैसन अपन फर्ज निभायलन ना, तब शायद तब जब कुमकुम भागे मैरिज हॉल के वो टूटे से बचेले और खुद जेल में चल गए पूरा, ओके पता बाकी जीजू उसे कबो प्यार ना करिए, हमेशा उसे नफरत करत रही है, फिर भी वो अपना आपके जीजू से प्यार करे से रोक ना पाई पूरा, ना रोक पाईलू, और तू तो जानत बड़ा जब प्यार में केहू के अलग होए के पड़ेला तो कैसन लगेला, आज तो हम कल हमार मूड खराब रहे खातिर खराब इंसान के छू देनी, लेकिन आज तोहरा छूअल दूर तोहरा पास तक ना आईब, पता बगाए कहे कि आज हमार मूड बहुत अच्छा बा, तो हमेशा खातिर जो जात बाड़ू इतना दूर जा रहा बाड़ू के हम तका हमार एहसास भी तोरा हाथ ना लगा पाई, जमीन ही हिल रहल बा, हम यहाँ पैर रख रहल बनी तो सु 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 करके भाग रहल बनी, लेकिन हमरे पास भी आइडिया बा, अब हम जमीन के पकड़ के चला बा, लाइक दिस, और ऐसे पैर ठीक बानी ने कहीं चोट तो ना लागल? प्लीज जमीन हिल रहल बा, फोटो हिल रहल बा, लाइट हिल रहल बा, आर चार बिंदी कहाँ लगे ली पर हम के का अरे कहाँ कर रहे लानी हम आराम से हम के ये जमीन के संभाले के बाद संभल के कहीं चोट तो ना लागल? का भेल? हम कहाँ आ गेल बानी? अपन कमरा में बानी। अरे तो बेड इतना हार्ड कहाँ है बा? का है कि आप बेड पर ना जमीन पर बानी, चलिए उठी। ना उठे के बा हमके। अरे पर ऐसे कैसे? अंडरस्टैंड में। अरे अब उठी।
का अभी बाकी पूरब ए वक्त हाँ, कैसे आई थिंक हमने के रिस्क ना लेवे के चाहिए इससे पहले चीज और कॉम्प्लिकेटेड हो जाए हमने के फौरन वहां जाए के होगी पूरब वो सब तो ठीक बा लेकिन हमके बस माँ के टेंशन हो रहा बा ठीक बा हम मैनेज कर ले ओके बोल हम वेट करत रहनी ठीक बा केकरा से बात करत रहिस माँ दी के फोन रहे प्रज्ञा के फोन रहे सब ठीक बा ना का करत रहे हो हाँ माँ सब सब ठीक बा लेकिन वो थोड़ा परेशान साउंड करत रहे माँ हम उसे मिल के आए प्लीज अभी तू गले ना कि सब ठीक बा फिर तू जाके उसे काहे मिले चाहत बाड़े माँ बुलबुल तू फिर से हमरा से कुछ छिपाता नहीं खिस रहल ना वहाँ केहूँ दोबारा प्रज्ञा के कुछ गलत का ना माँ आप जानत बानी ना दी कोना वक्त से गुजर रहल भैया ऐसे हम सोचने की एक बार उसे मिल के आई ओके भी अच्छा लगी हम प्लीज जाए सुन जल्दी आ जाइए माँ हमके देर हो गया आवे में एक्चुअली हमारा पहला इंटरव्यू बा उकरा बाद हम दी से मिले जाए अच्छा अच्छा पता ना हमार बच्ची पर परेशानी कब खत्म होगी गुरुद्वारा में हम प्रज्ञा के नाम की अरदास करवेले रही प्रसाद देवे ही बुला गई नी पूरा ई तो हमरा से बोल के गई रहे कि प्रज्ञा से मिले जा रहल भैया और पता नहीं लेकी कब सुधरी ई घर में आखिर हो का रहल बा केहू बताई बा डिवोर्स तक पहुंच गई और केहू हमके बतैलस तक ना और अभी तू तरत दीदी के बारे में सब पता बा ना इतना बड़ा फैसला लेबे से पहले तू एक बार भी ना सोचला कि उनके होश आई तो हमनी उनके का जवाब दे प्रज्ञा के घर में बहू बना के लावे के फैसला दीदी के हा तू लोग अकेले मिलके ओके घर से निकाले के फैसला नहीं खा ले सकत और अभी तोहरा तो कम से कम दीदी के पसंद पे भरोसा रखे के चाहत रहे ना भरोसा कैले रहनी दासी लेकिन उकरा बदले में हमके का मिलन एगो मौका देले रहनी उकरा खुद के इनोसेंट प्रूफ करे खातिर लेकिन सबूत लावे के बदले अपन आशिक डबल बैटरी के साथे दासी हम खुद ना चाहत रहनी की बात यहाँ तक पहुंचे लेकिन लेकिन शायद ये चाहत रही हम जानत बनी आप ऐसा कहे खाता नहीं कहे कि ई ना ई घर के बच्चा और बड़न पे अपन अपन जादू चला देले बिया और उनकरा पे अपन जाल बिछा देले बिया ये अच्छा बहु संस्कारी बीवी बने के नाटक ना ये सबसे ज्यादा आप लोग के सामने करेली यह खातिर आप लोग के एक असली चेहरा दिखाई ना देवेला आज अगर दादी के हालत बा तो ई एकरे वजह से बा आज अगर हमार करियर पे क्वेश्चन मार्क उठल बा तो ई एकरे वजह से उठल बा दासी और आप कह रहल बनी कि हम एकरा पे भरोसा करी दासी एकर कैरेक्टर ही ऐसा बा आज यू डबल बैटरी के घर में लाइल भी कल केहू और के ले आई आज ही चोरी छुपे कर रहल भी कल खुलेआम करी तब जब दादी के पता चली तो उनका भी काबी थी अभी ऐसा कुछ भी ना होगी दासी प्लीज ये सब का किन आप अपना आप के बाहर रहल बानी अभी हम तो बस दासी हम अपन फैसला ले चुकल बानी अब जब ये घर से बाहर जाई ना तब जाके घर पे कोनो प्रॉब्लम्स ना आए ना अभी ऐसा मत करा ये का हो गल बात हो गए का करो तारा तू प्रज्ञा दी के घर से निकाल कौन सोल्यूशन बा तो इतना गलत फैसला कैसे कर सकेला तो तोरा लागत बा के हमार गलती बा अभी हमारा मतलब वो ना रहे प्रज्ञा दी घर से जाइया था दादी के बारे में तो सोचा उनका हालत खराब हो कि ना देखा तू प्रज्ञा दी के एगो मौका देला ना अब तू हमरा के एगो मौका दा हम प्रूफ करब कि उने सनबाड़ी कुछ नहीं के कैली अभी भी कुछ नहीं के बिगड़ा बदल ला अपन फैसला यार वापस लेला डिवोर्स भाई से का पूछा तारा पूरब ये डिसीजन भाई के ना तो हर प्रज्ञा दीदी के है
उहे भाई से डिवोर्स मंगले बाड़ी। सुननी हम, तू जीजू से डिवोर्स मांग ले। हाँ मांगनी है, ठीक सुन लिया तू। हम की जी सही लागल, हम ओहे कहीं सही का सही बादी। सही के मतलब का बात? और डिक्शनरी में जीजू के बारे में सच्चाई जानला के बावजूद तू तुमसे प्यार कैला, ई सही बा? अब उनका से प्यार कैला के बाद तू उनका से डिवोर्स ले रहल बारी, ई सही बा? का चल रहल बा तोर दिमाग में? का सोच रहल बारे तू? का चाहत बारे तू? जितना हम प्यार के जानत माने हो, ये बाकी जब आप केहू से प्यार करे लगेला ना, तब आप ओकरे साथे रहल चाहेला। और शादी है कि जब आप दू से एक हो जाएला, आप अपन पूरा जिंदगी उहे इंसान के साथे गुजारल चाहेला, तब फिर ये सब काहे दी? तू कुछ छिपा रहल बारे ना हमरा से? तू कुछ छुपा रहल बाड़े ना? तू काहे डिवोर्स ले रहल बाड़े दी? हमके जाने की बाकी तू काहे? हम कुछ नहीं की छुपा रहल बुलबुल। तू काहे बार बार की सवाल कर रहल बाड़े? हम करी ना जौन हमके सही लागल, हम ओहे कहीं। और वैसे भी जब वो हमरा पर भरोसा ही ना करे ले, हम कैसे रह सकेले उनका साथे? इसे हम बहुत सोच समझ के फैसला ले बानी बुलबुल। झूठ बोल रहल बाड़े दी तू। जब माँ तो के घर से लेके जात रहे, तू काहे माना कहीं? काहे बोले तू की तू अपना आप के इनोसेंट साबित कर बे? तू ही घर में इज्जत के साथे आयल रही, तभी इल्जाम लेके काहे जा रहल दी? तू काहे नहीं के समझत रहल? हम जे कर रहल बानी ए में सभी के भलाई। तो के लागत भाई तोर जे फैसला बा में सबके भलाई बा? ती तू बहुत अच्छा से जानत बाड़े कि कौन कंडीशन में तोर शादी भइल रहे। देख, तू अगर अपना आप के निर्दोष साबित ना करबे ना, और तू जीजू से डिवोर्स ले लेबे, तो लोग ई सोचे ना कि तू गलत रहिस। ऐसे जीजू तोरा के छोड़ले, ऐसे तोरा से डिवोर्स ले रहल बाड़े। और तू माँ के बारे में सोच ले, सोच ले तू माँ के बारे में, उनका ऊपर कहा बीती? अरे वो बेचारी ते ई उम्मीद लेके बैठल बिया कि कब जीजू की दादी ठीक होगी, कि कब उनकर तबीयत ठीक होगी, ताकि वो सब कुछ ठीक कर देस। और तू अपना बारे में सोच ले, डिवोर्स के बाद का होगी तो? हमारा सती जी होगी कि बहू होगी, लेकिन अब हमरा वजह से यहाँ कुछ खराब ना हो सकत। अब समझनी हम, अब समझनी तू केकरा ला कर रहल बाड़े। वो एक के इंसान बा जेकरा ला तू इतना बड़ा सैक्रिफाइस कर रहल बाड़े दी। तू का बोल रहल बाड़े? हमार को समझ में नहीं आ रहा। हमार समझ में आ रहल बा सब कुछ, जीजू खातिर कर रहल बाड़े ना, अपन प्यार खातिर कर रहल बाड़े ना, तो कुछ भी समझ। लेकिन अब हम फैसला कर ले बानी। ओब, डाइवोर्स खातिर हम कुछ लायर्स बुला ले बानी। तोरा भी कोनो लायर के जरूरत होके ता तू ओकरा बुला सकत बाड़ू। हम बाद में इन्हें सुनल चाहत कि हम कहो कि अपन बात रखे के मौका ना देनी। प्रॉब्लम पूरब, बार बार वो बहन जी के साथ काहे देवेला तू? वो बुलबुल के वजह से या खुद वो बहन जी के वजह से? केहू दोनों के साथ है तो चक्कर नहीं चल रहा ना तहार? जस्ट शट अप आलिया, का बकवास करत अड़ तू? यू नो व्हाट, गुस्सा से ज्यादा तरस आवेला तोरा पर हमके। इट्स ओके, शायद भगवान तोके बनैले ही ऐसन बाड़न कि ना तू केहू के दर्द देख पावेलु और ना ही तोरा के केहू के चिंता होखेला। ओ प्लीज पूरब, तू हमके समझला ही ना, समझला तू? लेकिन हमके समझ में आ गेल बा, समझ में आ गेल कि जोन तरीका से हमर लव लाइफ में एगो ट्रायंगल बा, तहार लाइफ में भी ओही तरीका से एगो ट्रायंगल बा। व्हाट रविशालिया,
का बकवास करता तू? पहले तो प्रज्ञा दी के बदनाम के लिए, और अब बट यू नो व्हाट, हम अभी ना कि तुम्हार हर बात मानब और ऊपर विश्वास भी कर ले। काश हम तहरा के बता सकते कि तहर ट्रायंगल के साइड हीरो सुरेश बा, कहे कि ओकर नाम ई वक्त प्रज्ञा के साथे जुड़ल बा। और अगर हम इम्प्रूव करे के कोशिश कहनी कि सुरेश के चक्कर बुलबुल के साथे बा, तो कर पूरा फायदा हमरा जगह बहन जी के मिल जाई, बुलबुल तहर नजर में गिर जाई, बाकी प्रज्ञा भाई के नजर में उठ जाई, जो हम बिल्कुल नहीं की चाहत। कैसे पता लगाए कि बुलबुल ए वक्त कहाँ भिया? हर बार यह बोले ले कि ओकर और पूरब के बीच में कुछ नहीं है। हमके तलाकत बाद दोनों आज भी साथ ही बाड़े। कहा करी? ओके फोन करी कि ना? अब पूर्वी? जी बड़ी माँ। बेटा जरा अपन फोन देता। अब इले। हम थोड़े देर में तो कितने बानी हाँ? ठीक बा। कहाँ बाड़े तू? जीजू के घर पर माँ के मत बताई है? अब इनकर ही कमी रहे। अब जानेला भी कि संस्कार का होकेला, आप अपन बेटा के का संस्कार देले बानी? ये हम पहले ही देख चुकल बानी। केहूं और के बारे में कुछ भी बोले से पहले आपन गिरेबान में झांक के देखी। हमके इतना प्रवचन देत रही, अब हम सुनावत बानी एके। आप अच्छा कहीं नहीं, अब आ गई नहीं। अरे आपसे अच्छा विटनेस आपके बेटी खातिर और के हो सकत बा? वैसे भी ऐसन मामला में घर के बड़ के होखल बहुत जरूरी बा, ताकि केहूं ई ना कह सके कि ई सही भइल या ओ गलत भइल, बाना? कौन बारे में बात कर रहल बानी? अरे कर ली बात, आपके दोनों बेटी आपके कुछ ना बताई नहीं। अरे ओ दोनों तो हाय बाड़ी ऐसन झूठ बोले बात छिपावे, अपनी ये आदत बन गई बा। हमार बेटी के बाद आप रहे ही दी, सच कहा आप ही बता दी। ताई जी का करत नहीं आप? हाउ कैन यू बिहेव लाइक दिस? आंटी आई एम सो सॉरी फॉर हर बिहेवियर। आप एक मिनट रुकी। रामू काका, आलिया, रामू काका, आलिया, नौकर के बुलावे की का जरूरत बा? मिताली भाभी कैसन बात करत नहीं आप? आंटी जी अभी भी घर आयल बाड़ी, उनका खातिर चाय कॉफी तो पूछे के पड़ी ना? आप लोग भी ना। अरे चाय कॉफी ना, इनका खातिर तो पानी मंगवावा। सर जनला के बाद सिर्फ पानी के जरूरत पड़ी इनके। हम यहाँ पानी पिए और चाय कॉफी पिए नहीं किया है। हम सिर्फ इतना जानल चाहत बानी कि यहाँ होकर आल बा। अरे आंटी आप काहे इतना टेंशन लेता नहीं? अरे हाल ही में तो आपके हाथ एक्चुअली नॉट इवन से इट। आप ज्यादा टेंशन मत ली, कुछ देर में आपके खुद ब खुद पता चल जाए यहाँ का हो रहल बा। आलिया का कर रहल बाड़ू तू? काहे आंटी के परेशान कर रहल बाड़ू? वैसे भी ई एज में इतना ज्यादा सस्पेंस ना हेल्थ खातिर अच्छा ना हो। कोनो बात ना आंटी, हम आपके बतावत माने, लेकिन ओकरा ला ना आंटी आपके ना थोड़ा हिम्मत से काम लेवे के होगी। वो कहा ना आज तक आप सिर्फ शादी देखले बानी करवाइले बानी, बाकी यहाँ पर जे होके वाला बाब ओके शायद अब देख ना पाइब। का होके वाला बा यहाँ? अभी और प्रज्ञा के डिवोर्स। एक मिनट आंटी, एक बात और क्लियर कर दिल चाहत बानी। इससे पहले कि आप केहू और के गलत समझे, ई डिवोर्स अभी नहीं खे मांगे,
आपकी अपन प्यारी प्रज्ञा मांग लेंगे। गॉड, अब तो लेट होके वाला बा, फैमिली ड्रामा जैसे शुरू होके वाला बा यहाँ पर। बेटा जी, आपसे अकेले में 2 मिनट बात करें के बाद। माँ, ये का बात करे वाली बिया? जाहिर सी बात बतानो, वह टिपिकल बात, रोई है, गिड़गिड़ाई है, बोली है अभी प्लीज भगवान खातिर हमार बेटी के मत छोड़ा, हमार परिवार के नाम खराब हो जाए, अब सब कुछ बर्बाद हो जाए। मतलब इमोशनल अत्याचार, और कहीं अभी पिघल गई तब? नो वेस्ट तनु, बात भाई के करियर के बा, और जब बात भाई के करियर पे आवेला ना, तो भाई पिघले के दूर के बात बा, अटेंशन भी ना दे वेले। आंटी जी, हम जानत बनी कि आप हमसे का बात करे वाले बनी, लेकिन ई बार हम आपके मदद ना कर पाई, और हम आपके बता दें कि ये डिवोर्स लेवे के फैसला आपके बेटी के वो सही कर रहा बड़ी। हम ओके को मौका दिले रहनी अपना आपके इनोसेंट प्रूफ करे खाते, लेकिन वो ना कर पाई। और आंटी जी, आप जाने नहीं किए एक आदमी खातिर कितना मुश्किल हो खेला एगो ऐसा औरत के साथ रहे जेकर। आंटी जी प्लीज, हम आप पर मन बना ले बानी, ऐसे आप हमारा सामने अब रोई लोट गिड़गिड़ाई मत। हम जानत बानी आपके गुस्सा आवत बा, लेकिन हमार गुस्सा के समझे की कोशिश करें, जो ना हमके आपके बेटी भी आ रहा बा, वो आपके बेटी भी आपके भरोसा हो की ओकरा पे, लेकिन हम ओकरा पे भरोसा नहीं की करत। और अब हमने दोनों एक छत के नीचे ना रह सके लिए। आंटी जी, बेटा जी, हम बिल्कुल समझ सकत बानी, इस समय आप का महसूस कर रहा बानी, क्यों समझे या ना समझे, लेकिन हम जानत बानी तोहरा पर इस समय का गुजर रहल बा। सच कही था, अगर आपकी जगह कौनो और लड़का होखित ना, और वो अपन पत्नी के एमएमएस देख ले होखित, तो ओही दिनों के घर से बाहर निकाल दी हित, लेकिन आप ऐसा ना कही नहीं, यही से तो हम आपके दामाद से ज्यादा अपन बेटा समझ ले बानी। ना बेटा, बेटा जी, हम रो अब ना, हाथ जोड़ के गिड़गिड़ाए भी ना, आपसे यो ना कहब कि आप प्रज्ञा के डिवोर्स मत दी, बस हमके ई समझ में नहीं आ रहा कि हमार इतना समझदार, सुलझर और प्रैक्टिकल बेटी प्रज्ञा खुद सामने आके आपसे डिवोर्स मांगलक। ई करके वो ई साबित कर देलक कि आज एगो माँ हार गई और बेटी जीत गई। आपके पता बा, जब आपके दादी जी आपके रिश्ता लेके हमरा घर आयल रही, तब प्रज्ञा शादी खातिर साफ इनकार कर देले रहे। उ आपसे शादी ना कर चाहत रहे, कहे कि ओकरा ऐसा लागत रहे कि आपके और हमनी के घर के कौनो मेल नहीं खे, कहा आप कहा हम, तब हम ओकरा के विश्वास दिले रही, हम ओके समझेले रही कि ई ऊंच नीच कौनो मायने नहीं खे रखत। जब एगो लड़का लड़की पति पत्नी बनेले ना, एगो पवित्र रिश्ता में बंधेले, तो दोनों समान हो जाले, दोनों मिलके एगो एगो सुखी संसार बनावेले, और दोनों एक दूसरा के साथ बनेले।
लेकिन गलत सोच ले रही हम। हम गलत रही और प्रज्ञा बिल्कुल सही। काहे कि ओकर और आपके सोच में जमीन आसमान के फर्क पा। हमके केहू से कुछ नहीं के पूछे के बेटा जी, हम सिर्फ इंतजार कर रहल बानी आपके दादी जी के ठीक होके के। काहे कि सब बात हमके उनसे करे के बा। वो आयल रही हमार घर में आपके रिश्ता लेके। आपके दादी के विश्वास रहे हमार बच्ची पर, उनके ये विश्वास रहे कि प्रज्ञा एक घर के बहू बने के लायक और आपके पत्नी बने के लायक भी। उनके विश्वास रहे अपन अभिषेक पर। जब आपके दादी जी के प्रज्ञा पर विश्वास बा और रहे तो उनकर पोता के प्रज्ञा पर विश्वास काहे नहीं। आंटी जी प्लीज, हम ये बारे में और बात ना करे चाहत बनी। हमके नहीं के पता कि जब दादी ठीक हुई है तो आपसे का कहिए, लेकिन हम अपन मन बना ले ले बनी आंटी जी। कहे कि ये बार भरोसा के ना कैरेक्टर के बार, और जो ना इंसान के कैरेक्टर खराब होके आप होके कितना मौका दे सकत बनी। बेटा जी, इतना दिन प्रज्ञा के साथ ही रहला के बाद भी आपके लागत बा बेटा जी कि प्रज्ञा के कैरेक्टर ठीक नहीं है। आंटी जी, हम एगो रॉकस्टार हैं। लाखों लोग हमार फैंस बाड़े, लड़की लोग मरे ली हमरा ऊपर। अगर कोनो लड़की आपसे आके कहे कि हम ओकरा साथे गलत कहनी, तक का आप ओकर बात पे विश्वास करे? ना ना। लेकिन अगर वो है बात प्रूफ के साथ कहे तो आपके ना चाहत हुए भी वो बात पे विश्वास करे के पड़ी। हमके भी वह करे के पड़ रहा बा आंटी जी। आपके आपके ही बात तो पता बा कि हम प्रज्ञा के डिवोर्स काहे देवे चाहत बानी, लेकिन प्रज्ञा हमके डिवोर्स काहे दे रहा है ये अभी आपके पता चल गई।